हैदराबाद में एक लड़का है जो अपनी सोसाइटी की सभी बहन बेटियों को जब देखता है तो वो गलत निगाहों से देखता है। एक सोसाइटी है, एक लड़का है, वो जब अपनी सोसाइटी और अपने किसी भी लड़की को देखता है, किसी भी बहन बेटी को देखता है ना, तो वो गलत निगाह से, गलत भाव से देखता है। लेकिन वही लड़का जो सोसाइटी की सारी बहन बेटियों को गलत नजर से देखता, जब वही लड़का अपने घर जाता है, उसकी जवान बहन है, उसकी बराबरी की है, बड़ी सुंदर है, वो सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता लेकिन अपनी बहन को गलत नजर से नहीं देखता। प्रश्न ये है कि जब वो लड़का सारी लड़कियों को गलत नजर से देखता है तो अपनी बहन को गलत नजर से क्यों नहीं देखता? उत्तर दीजिए। एक लड़का है, वो सबको गलत नजर से देखता है पर अपनी बहन को वो गलत नजर से नहीं देखता, बताओ क्यों? उत्तर दो। किसने रोका है? उत्तर दीजिए सब लोग। प्रश्न सबसे है, जो लड़का सबको गलत नजर से देखता है वो अपनी बहन को गलत नजर से क्यों नहीं देखता? किसने रोका, किसने उसका हाथ पकड़ा है? किसने? हां, ये मेरी बहन है, इसे किस नजर से देखना है, किस नजर से मैं इसे देखूं? वो नजरिया जो देता है देखने का, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म प्रत्येक व्यक्ति को नजरिया देता है देखने का कि पगले ये तेरी बहन है, इसे कैसे देखना है, ये तेरी माँ है, इसे कैसे देखना है, और ये लोग हैं दुनिया के, इन्हें कैसे देखना है। जो अपनी बहन को बहन माने और दूसरों की बहन बेटियों को छेड़े, उसके अंदर धर्म तो है पर 1%। लेकिन जो अपनी बहन के साथ औरों की बहन बेटियों को भी अपनी बहन बेटी माने और पराई स्त्री में कभी नजर ना लगाए, पराई बहन बेटी को कभी गंदी गलत नजर से ना देखे, उसके अंदर जानते हो, उसके अंदर 80% धर्म है। जो ये भाव रखता है कि सब, राम के जीवन में 100% धर्म था, हमारे पास 100% नहीं हो सकता पर 80% हो सकता है। आप अपनी बहन बेटी को तो अपना मानते हैं, दूसरों को छेड़ते हैं, इसलिए आपके अंदर धर्म कम है, इसलिए छेड़ते हैं। धर्म ज्यादा होता तो आपको अंदर जो धर्म है वो आपको मना करता कि भाई ये क्या कर रहा है। आप जब कोई गलत काम करते हैं और आप गलत काम करते हैं तो आपके अंदर का धर्म आपको रोकता है, ये गलत है। यदि आपके अंदर का धर्म स्ट्रांग है, पर्याप्त मात्रा में है, तो आप कोई गलत काम नहीं कर सकते, और आप करते हैं तो मतलब आपके अंदर का धर्म कमजोर पड़ गया, इसलिए आप ये गलत काम कर चुके या कर रहे हैं। इसलिए धर्म ना मरने देना। रावण का धर्म कमजोर पड़ गया इसलिए माता सीता को चुरा करके ले आया। राम जी के अंदर धर्म मजबूत था इसलिए सूपनखा जब आई तो राम जी ने सूपनखा को देखा भी नहीं, सीता मां को देख कर ही सूपनखा से बात की, पराई स्त्री को राम जी नजर उठाकर नहीं देखते। लक्ष्मण जी से पूछा गया, राम जी ने कहा कि सीता मां ने आभूषण फेंके हैं, जब रावण चुराया तो मां ने आभूषण फेंके, सुग्रीव को मिला, सुग्रीव ने दिखाया। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण बताओ ये आभूषण क्या सीता के हैं? लक्ष्मण जी ने कहा कि पांव की पायल हो तो बता दो प्रभु, मैं पहचान लूंगा। पांव के ऊपर यदि गले का, कान का, माथे का कोई भी आभूषण होगा मैं नहीं पहचान सकता। क्यों नहीं पहचान सकते लक्ष्मण? क्योंकि मैंने कभी चरण के सिवा मैंने माता सीता को कभी देखा ही नहीं, चरणों को पहचानता हूं। ये भारतीय संस्कार है, ये है धर्म। पराई स्त्री के चरण के अतिरिक्त और कहीं नजर ना जाए, चरण में नजर रहे बस। जिसके अंदर धर्म होगा वो सिर झुका के चलेगा, चरणों को देखेगा। वो घमंड का सिर उठाए तो किसके लिए उठाए? इसलिए लक्ष्मण जी सदा माता सीता को चरण ही देखते थे, चरणों के अतिरिक्त कुछ नहीं, मुंह नहीं देखा कभी। पराई स्त्री को देखना
हमारे यहां ठीक नहीं है, इसलिए धर्म लाइए अपने जीवन में, भरिए अपने अंदर धर्म को। धर्म शांति प्रदान करता है, परलोक धर्म से बनेगा, धन से नहीं बनेगा। तो मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार की भावना रखना।